चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सियासी टकराव लगातार जारी है और आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया है और उधर भूखे सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार एलजी हाउस पर धरने पर बैठी हुई है और मंत्री सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ा है, जो कि चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। अनशन में 600 ग्राम ये वजन बढ़ा। यदि अनशन है तो फिर वजन कैसे बढ़ा, ये बिग बड़ा सवाल है। इसके पीछे कारण क्या है ये डॉक्टर्स ठीक तरीके से बता सकते हैं, लेकिन अनशन के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ना तमाम सवालों को जन्म देता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूखे सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ा है, अनशन पे हैं। पिछले 6 दिन से सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार धरने पर है एलजी हाउस में अंदर, और इस दौरान मेडिकल चूंकि चेकअप हो रहा है सभी का, और सत्येंद्र जैन का वजन 600 ग्राम बढ़ा है, यानी कि हर दिन के हिसाब से 100 ग्राम वजन बढ़ता गया। वो बात अलग है कि धरने पर हैं सत्येंद्र जैन, तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय धरने पर हैं एलजी हाउस में, लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि अनशन के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ गया। अब यह वजन कैसे बढ़ा, क्या अनशन के दौरान कुछ ऐसा खाया गया? यदि अनशन है तो फिर खाने की कोई बात ही सामने नहीं आती है। फिर किस तरह से यह वजन बढ़ा है, यह सवालों के घेरे में है और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर एलजी हाउस में धरने पर है। आज 6ठा दिन है, 5 दिन बीत चुके हैं और लगातार इनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, केजरीवाल का किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया भी हैं, गोपाल राय हैं, सत्येंद्र जैन हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्री सत्येंद्र जैन का वजन पिछले 6 दिनों में 600 ग्राम बढ़ गया है। आमतौर पर अनशन के दौरान वजन तेजी से कम होता है। इससे पहले जिन लोगों ने अनशन किए हैं सबके सामने रिपोर्ट आती है कि लगातार वजन कम होता चला जाता है, लेकिन यहां पर सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ा है, तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। तरुण, 6 दिन में 600 ग्राम वजन बढ़ना, बात गले से नीचे नहीं उतर रही, वजह क्या आ रही सामने? बिल्कुल, बात गले से नहीं उतर रही है, इसके कारण ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है और खबरों में छाया हुआ है कि 5वें दिन तक अगर आप बिना भोजन के रहते हैं उसके बावजूद आप 600 ग्राम वजन बढ़ा सकते हैं। विपक्ष इसे मुद्दा बनाया हुए है और विपक्ष को हथियार दिए हैं खुद सरकार ने, क्योंकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि गुरुवार शाम 6:28 पर सत्येंद्र जैन का वजन 80 किलो था। ये सरकार ने मीडिया कर्मियों को अपने ही सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से बताया था। शुक्रवार रात 10 बजे का जो मेडिकल बुलेटिन सत्येंद्र जैन का शेयर किया गया मीडिया कर्मियों से, उसके अंदर वजन एकाएक बढ़कर 80.6 किलो हो गया, यानी कि 6 किलो का इसके अंदर इजाफा हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो जी तरुण, लेकिन चूंकि ये अब जब चूंकि वजन बढ़ा है, डॉक्टर साहब ने किसी से बात की, क्या कहना था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अनशन के दौरान वजन बढ़े? देखिए, डॉक्टर जो जानकार हैं, जिनसे हम लगातार कोई भी अगर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेनी होती है तो उनसे फोन पर अभी बात की है, शायद कुछ देर के अंदर उनके इंटरव्यूज भी आने लग जाएंगे, कि मेडिकल लाइन के अंदर ये चीजें लगभग नामुमकिन के तौर पर देखी जा रही हैं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 दिन आप बिना खाए पिए रहें, बिना खाए रहें और उसके बावजूद आपका वजन 600 ग्राम बढ़ जाए। लेकिन इसके अंदर कुछ एक राइडर्स हैं कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, कि अगर आप स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह से आपका शरीर स्वास्थ्य नहीं है, कहीं पर पानी जाकर ब्लॉक हो रहा है जिसके कारण पानी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी ब्लॉकेज के कारण उसका वेट बढ़ गया है, तो ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन उस कंडीशन में भी जिन डॉक्टर से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि उसमें तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन सत्येंद्र जैन के जो सिम्टम्स हैं, कल वीडियो भी एक जारी हुआ जिसके अंदर बार बार ये आशंका जाहिर की गई कि एलजी ऑफिस से उनको उठाया जा सकता है, उनका अनशन तोड़वाने की कोशिश की जा सकती है, तो हाव हाव देखकर ऐसी कंडीशन तो कम से कम सत्येंद्र जैन की लग नहीं रही थी कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनकी किडनी में जाके पानी रुक रहा है जिसके कारण उन्हें तकलीफ हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन तो कम से कम है नहीं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार को ही बताना होगा कि ये नामुमकिन सी दिखने वाली चीज कैसे कर पाए हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। लेकिन मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, अभी ज्यादा दिन पुराना वाक्य नहीं है, कांग्रेस ने भी अपने कुछ घंटों का अनशन किया था और उसमें कांग्रेस के नेता पहले छोले भटूरे खाते हुए नजर आए थे, तस्वीर जब वायरल हुई थी उसके बाद उन्हें स्वीकार करना पड़ा था कि हाँ भाई छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद अनशन शुरू किया था, लेकिन वो कुछ घंटों की बात थी, यहां पर कई दिन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा संभव नहीं है कि वजन ना बढ़े,
हंशन के दौरान, तो ये मुश्किलें खड़ी कर देगा आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, जो कांग्रेस का आपने उदाहरण दिया, बड़ा बखूबी उदाहरण दिया, वो तस्वीर तब उत्पन्न हो सकती थी पहले या दूसरे या तीसरे दिन इस तरह की मेडिकल बुलेटिन के अंदर हमें वजन बढ़ा हुआ दिखाई दें। तीन दिनों तक कोई वजन के अंदर बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी, लेकिन अचानक पांचवें दिन का जो मेडिकल बुलेटिन शेयर किया गया उसके अंदर इस तरह की चीजें आनी, आंकड़ों के माध्यम से वो भी सरकार खुद बता रही है, तो कहीं ना कहीं ये अनशन पर सवाल खड़े करता है। और लगातार विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये अनशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, चुपचाप अपने आप तरीके से कुछ खा पी तो नहीं लेते सत्येंद्र जैन और जनता को धोखा देते हैं, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है, अनशन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, मुद्दा पूछने से डाइवर्ट हो गया है, सरकार घिर चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार धरने पर है, अनशन पर है, सत्येंद्र जैन अनशन कर रहे हैं, पांच दिन बीत चुके हैं, आज छठा दिन है, लेकिन इन छह दिन में सत्येंद्र जैन का वजन 600 ग्राम बढ़ा है, यानी कि हर दिन के हिसाब से अगर औसत की बात की जाए तो 100 ग्राम वजन बढ़ रहा है, वो भी तब जब कुछ खाया नहीं जा रहा। तो ये क्या मेडिकली ऐसा हो सकता है, इसको लेकर अभी टोटल न्यूज स्पष्ट नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर है कि यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर अनशन के दौरान वजन बढ़ना कई सवालों को जन्म दे रहा है।